उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 15 जुलाई को चल रही उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के तथा भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था तथा सभी तहसीलों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी तहसीलों पर जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जगह जगह अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाई गयी। वहीं दूसरी ओर आगरा महानगर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें रोड पर चलते कार्यकर्ता नजर आ रहे थे और अखिलेश यादव जिंदाबाद तथा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन भीड़ में से अचानक ये कैसी आवाज आ रही है कि हिंदुस्तान में रहकर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये आवाज कहां से आई? कौन नौजवान है जिसने हिंदुस्तान के रहते हुए पाकिस्तान के नारे लगाए? आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के घेरे में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आखिर मकसद क्या है? पाकिस्तान के नारे किसने लगाए, ये पूरा जांच का विषय है। इस वीडियो को देखते ही लोगों ने कोलाघाट हो चुकी है कि आखिर समाजवादी पार्टी तथा अन्य पार्टी के दिमाग में सियासत कहां से आ चुकी है। बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, किसी ने समाजवादी पार्टी घेरे में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं। इस बात पर आगरा एसपी सिटी रोहन बोत्रे ने तत्काल प्रभाव से 16 जुलाई को एक्शन लेते हुए नाई की मंडी थाना में मुकदमा पंजीकृत किया तथा 5 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया है। जांच चालू कर दी गई है। इन चेहरों को गौर से देख लीजिएगा जिनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जाँच की जा रही है। इनका नाम पंकज सिंह, दीपक, आरिफ खान, चंद्र प्रकाश, मधुकर सिंह है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष यासिर निसार ने जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ साफ ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पार्टी में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई शख्स हो तो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्होंने इस बात पर एसपी सिटी आगरा रोहन मोत्रे से कहा कि हालांकि इस आवाज को आप सुन सकते हैं और ये आवाज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में से आ रही है, इस बात को सभी लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन ये कौन शख्स है, कहां से आया है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं? इस बात की सच्चाई के लिए आगरा प्रशासन ने विशेष और ज्यादा ज्यादा ध्यान दिया है। वायरल वीडियो में सच्चाई क्या है, यह पूरा जांच का विषय है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। एएसबी अजय सिंह भास्कर की विशेष रिपोर्ट। कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। प्रोटेस्ट के दौरान कई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट आज उन्होंने सदर जो तहसील है वहाँ पे किया था और उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहा है। इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाएगा, साथ ही में कौन व्यक्ति है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसकी जाँच अभी की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी इसमें कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। गलत नारे नहीं लगाए मैंने, चौधरी भाई निषाद जी के लगाए, मुलायम सिंह यादव जी के नारे लगाए और मैंने अखिलेश यादव जी के नारे लगाए। मैंने कोई पाकिस्तान जी के नारे नहीं लगाए क्योंकि पाकिस्तान के नारे क्यों लगाऊंगा, मैं ठाकुर आदमी हूँ, जन्म जात का ठाकुर आदमी हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों करूंगा। हम तुरंत एसपीसीटी साहब को अपने लेटर पैड पे उस कथित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक एप्लीकेशन दे के आए, केस आदमी को चिन्हित किया जाए, जांच की जाए और अगर जो इसने ऐसा किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की।